गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सबको आवाज आ रहा है? क्लियर? यस सर। ओके। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिकल साइज एनालिसिस। पार्टिकल साइज एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक कोर्स ग्रेन एनालिसिस और इसको सीव एनालिसिस भी बोलते हैं, दूसरा होता है फाइन ग्रेन एनालिसिस और इसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। कोर्स ग्रेन एनालिसिस किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? हेलो, कोहेशन लेस सैंड ग्रेवल के लिए? सैंड एंड ग्रेवल के लिए। फाइन ग्रेन एनालिसिस किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? क्ले। सिल्ट एंड क्ले। कोर्स ग्रेन एनालिसिस ये भी दो टाइप का होता है, कोर्स सीविंग और ग्रेवल सीविंग। दूसरा होता है फाइन सीविंग और सैंड सीविंग। कोर्स सीविंग और ग्रेवल सीविंग ये किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? ग्रेवल के लिए सर। ग्रेवल के लिए। फाइन सीविंग और सैंड सीविंग किस सॉइल के लिए यूज किया जाता सैंड है? के लिए। सैंड के लिए। सैंड सीविंग में भी दो टाइप का होता है, एक ड्राई सीविंग एंड वेट सीविंग। किसके लिए कौन सा होता है हम आगे पढ़ेंगे। देखो, फाइन ग्रेन एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस ये दो तरीका से निकालते हैं, एक होता है पिपेट मेथड, दूसरा होता है हाइड्रोमीटर मेथड। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोर्स सीविंग और ग्रेवल सीविंग हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला पढ़ रहे हैं, कोर्स सीविंग और ग्रेवल सीविंग, जो ग्रेवल के लिए यूज किया जाता है। कोर्स सीविंग और ग्रेवल सीविंग इट इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शंस हैविंग साइज ग्रेटर देन। अब ग्रेवल का साइज किससे बड़ा होता है? हेलो, ग्रेवल का साइज किससे बड़ा होता है? 4.75 mm। 4.75 mm से। देखो एक बार पूरा लिख देते हैं। क्ले डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेस देन इक्वल टू 2 माइक्रोन, इसको क्या बोलते हैं? हेलो, डायमीटर ऑफ पार्टिकल और डायमीटर ऑफ सॉइल सॉलिड लेस देन 2 माइक्रोन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन सस्पेंशन। क्या बोल रहे हो? सिल्ट क्ले सैंड का बात कर रहे हैं। सर। सिल्ट क्ले सैंड ग्रेवल में क्या बोलते हैं इसको? इफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल क्ले इज सर। क्ले, वही तो पूछ रहे हैं। डायमीटर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 2 माइक्रोन एंड लेस देन इक्वल टू सिल्ट 75 माइक्रोन, इसको बोलते हैं सिल्ट। डायमीटर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 75 माइक्रोन लेस देन इक्वल टू 4.75 मिलीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? इसको सैंड बोलेंगे। सैंड। डायमीटर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 4.75 मिलीमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 80 मिलीमीटर, इसको क्या बोलेंगे? हेलो, ग्रेवल्स ग्रेवल। ग्रेवल। डायमीटर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 80 मिलीमीटर एंड लेस देन इक्वल टू 300 मिलीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? बोर कोवाल। कोबाल्ट कोवाल। कोबाल्ट डायमीटर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 300 मिलीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? बोल्डर। बोल्डर। इसको याद रखो हमेशा। हाँ, तो इसमें क्या था? इट इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर था इसका साइज?
ग्रेवेल, इसका साइज 4.75 मिलीमीटर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.75 मिलीमीटर। और फॉर द सॉइल फ्रैक्शंस व्हिच आर रिटेन्ड ओवर सीव, सीव देखे हो कभी क्या? यस सर। सीव कुछ इस तरह से दिखता है, इसका ओपनिंग स्क्वायर ओपनिंग होता है, ये जो देख रहे हैं स्क्वायर ओपनिंग है, ये सर्कुलर ओपनिंग नहीं होता है, इसको स्क्वायर ओपनिंग होता है। तो कोई पार्टिकल सीव पे कब रिटेन हो जाएगा? जैसे मान चलिए ये सीव है और इसमें कुछ होल है, ये स्क्वायर होल है, कोई पार्टिकल इस पे रिटेन है, इसका क्या मतलब? सर जो सीव का साइज है उससे बड़ा पार्टिकल का साइज है। हाँ मान के चलो सीव का साइज डी डैश है, तो वो जो पार्टिकल का साइज है सपोज डी, वो डी ग्रेटर देन डी डैश है, डी डैश है साइज ऑफ सीव। अब साइज ऑफ सीव इसका क्या मतलब है? ये डायगोनल टू डायगोनल डिस्टेंस है या साइज है, मतलब जैसे ये स्क्वायर ओपनिंग है तो ये कौन सा डिस्टेंस है? ये जो साइज ऑफ सीव हम डी डैश लिए हैं ये कौन सा साइज है, ये साइज है या ये साइज है, कोई बता सकते हो? डायगोनल टू डायगोनल है या साइड है? डायगोनल है सर। नहीं ये साइज होता है, मतलब साइड ये डिस्टेंस होता है, ये डी डैश ये होगा, डायगोनल टू डायगोनल नहीं रहता है, समझ गए क्या? यस सर। यस ओके। तो यहाँ पर और फॉर द सॉइल फ्रैक्शंस व्हिच आर रिटेन ओवर, यहाँ पर कितना साइज हो जाएगा सीव का साइज? 80 mm। मीन्स 80 mm से बड़ा होगा तो वो सॉइल रिटेन हो जाएगा, नहीं 4.75 मिलीमीटर से बड़ा होना चाहिए। व्हिच आर रिटेन्ड ओवर फोर पॉइंट सेवन फाइव मिलीमीटर ही होगा। जैसे मान चलो किसी भी सीव का साइज 4.75 मिलीमीटर है, तो इससे ऊपर जो सॉइल होगा वही तो ग्रेवल होगा ना। 80 mm ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, 80 mm से छोटा जो होगा, 80 mm से लेस देन इक्वल टू वो ग्रेवल हो जाएगा ना, व्हिच रिटेन ओवर 4.75 मिलीमीटर सीव साइज, समझ रहे हो? ये 4.75 मिलीमीटर ही होगा। द सीव्स यूज्ड आर 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। ये इसमें फोर सीव यूज होता है, सॉरी फाइव सीव, थ्री फोर फाइव, फाइव सीव यूज होता है। जो टॉप पे होता है वो 80 mm, उसका 40 mm, उसका 20 mm, उसका 10 mm, लास्ट में होता है 4.75 mm। ये देखो फाइव सीव है, जो टॉप है, टॉप पे जो सीव है उसका साइज क्या है, सीव का साइज 80 mm, उसके बाद है 40 mm, उसके बाद 20 mm, उसके बाद 10 mm, उसके बाद है 4.75 mm। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट? नहीं सर। देखो एक एग्जांपल है, लेट अ सीव एनालिसिस इज डन ऑन अ ग्रेवल एंड फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेन। हम लोग क्या किए हैं, 100 ग्राम सॉइल लिए, 100 ग्राम सॉइल का मतलब यहाँ पे ग्रेवल लिए, ये ग्रेवल है, मतलब इसका जो साइज होगा ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होगा। क्या कि उसको 100 ग्राम ग्रेवल को इस पे डाले हैं 80 मिलीमीटर सीव में, और उसको क्या किए 10 मिनट तक इसको सेक किए, अच्छी तरह से सेक किए 10 मिनट तक,
उसके बाद कुछ सॉइल होगा जो 80 मिलीमीटर सीप पे रिटेन होगा, उसके बाद 40 मिलीमीटर पे, उस पर 20 मिलीमीटर पे, कुछ सॉइल 10 मिलीमीटर सीप पे रिटेन होगा, और कुछ 4.75 मिलीमीटर सीप पे रिटेन होगा। ये सीप है, उस पर कुछ जो सॉइल है वो रिटेन्ड है, ये सब ग्रेवेल है। कितना रिटेन्ड है ये प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। जैसे मान लो 100 ग्राम सॉइल लिए, उसके बाद उसको सेक किए सीप में, तो किस पे कितना रिटेन होगा वो तुम करोगे तो पता चलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 80 मिलीमीटर सीप पे 5 ग्राम रिटेन हुआ है। 80 मिलीमीटर सीप पे ये जो सॉइल है इसका वेट है 5 ग्राम। उसके बाद 40 मिलीमीटर सीप पे है 20 ग्राम, इस पे 20 ग्राम ये जो सॉइल है इसका वेट है 20 ग्राम। उसका 20 मिलीमीटर सीप पे 30 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। 20 मिलीमीटर सीप पे 30 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। उसके बाद 10 मिलीमीटर सीप पे 35 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। 10 ग्राम सीप पे 35 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। उसके बाद है 4.75 मिलीमीटर सीप पे 10 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। ये 4.75 मिलीमीटर सीप है जिसपे 10 ग्राम सॉइल रिटेन्ड है। यहां तक किसी कोई डाउट? नहीं नहीं। सर। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 सीप लिए जिसका साइज 80 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड 4.75 मिलीमीटर है। हम लोग क्या किया, 100 ग्राम ग्रेवल लिए, उसको 80 मिलीमीटर सीप पे डाले, उसके बाद सबको इस तरह से अरेंज करके उसको अच्छे से 10 मिनट तक सेक किए। उसके बाद क्या किए, कुछ सॉइल होगा जो 80 मिलीमीटर सीप पे रिटेन होगा, कुछ 40 मिलीमीटर सीप पे रिटेन होगा, कुछ 20 मिलीमीटर पे, कुछ 10 मिलीमीटर पे एंड कुछ 4.75 मिलीमीटर पे। किस पे कितना रिटेन होगा वो तुम कुछ एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। इसमें हम एग्जांपल लिए हैं, जो 80 मिलीमीटर पे 5 ग्राम सॉइल रिटेन हुआ है, 40 मिलीमीटर पे 20 ग्राम सॉइल रिटेन हुआ है एंड 20 मिलीमीटर सीप पे 30 ग्राम, 10 मिलीमीटर सीप पे 35 ग्राम एंड 4.75 मिलीमीटर सीप पे 10 ग्राम सॉइल रिटेन हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरह से हम लोग फिलअप करते हैं, उसका परसेंटेज वेट रिटेन निकालते हैं। परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालते हैं, जैसे जिस भी सीप पे परसेंटेज वेट रिटेन निकालना है, परसेंटेज वेट रिटेन, क्या करेंगे इसके लिए, उस सीप पे कितना सॉइल कितना रिटेन था? है, उस सीप पे कितना सॉइल रिटेन है वो लिख लेंगे। सॉइल रिटेन ऑन दैट सीप, किसी पर्टिकुलर सीप पे कितना परसेंटेज वेट रिटेन है ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सॉइल रिटेन ऑन दैट सीप, ऑन दैट सीप डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन, ये वेट है, वेट ऑफ सॉइल रिटेन ऑन दैट सीप डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल टेकन, वेट ऑफ टोटल सॉइल टेकन। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो परसेंटेज वेट रिटेन ऑन 80 मिलीमीटर सीप कितना हो जाएगा, फाइव परसेंट सर। हाँ यहाँ पे एक चीज भूल गए थे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज वेट रिटेन ऑन 80 मिलीमीटर सीप क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉइल रिटेन ऑन 80 मिलीमीटर सीप कितना है, 5 ग्राम डिवाइड बाय टोटल सॉइल टेकन, टोटल कितना सॉइल लिया हम लोग, हंड्रेड 100 ग्राम, ग्राम 100 ग्राम इंटू 100, ये आ जाएगा 5%। इस तरह से हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वेट रिटेन ऑन एनी पर्टिकुलर सीप, ये कितना आ गया 5%। उसी तरह से 40 मिलीमीटर सीप पे कितना हो जाएगा, 20%, 20% 20%। एक्चुअली 100 ग्राम लिए हैं इसलिए परसेंटेज सेम ही आ रहा है, इस पे 30 हो जाएगा, इस पे 35, इस पे 10। देखो टोटल सॉइल कितना लिए हम लोग, वेट रिटेन ऑन इच सॉइल
तो ये जो ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 100 ग्राम, 100 ग्राम। और परसेंटेज वेट रिटेन ये कितना परसेंट आएगा, 100%, 100%, ये 100% आएगा। देखो कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं, जहां तक का लिखना है वहां तक सबको ऐड कर दो। जैसे यहां तक निकला है तो जैसे यहाँ पे लिखना है तो इसके ऊपर जो भी है सबको ऐड कर दो। यहाँ इससे ऊपर कितना है, 5%, 5% 5 हो जाएगा, 5% ही हो जाएगा। ये परसेंटेज पहले लिखा हुआ तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, परसेंटेज पहले यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो हमको निकालना है 40 मिलीमीटर से ऊपर का कम्युलेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 25, इससे ऊपर जितना है सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55, 55। यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, 100 हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज फाइनल किस निकालते हैं, परसेंटेज फाइनल 100% माइनस कम्युलेटिव, 100 माइनस जो भी है कम्युलेटिव उसको ऐड कर दोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा परसेंटेज फाइनल। तो परसेंटेज फाइनल 480 मिलीमीटर से भी कितना आ जाएगा, 95। ये कितना आएगा, 75, 75, ये 45, 45, ये कितना आएगा, 10, और ये 0, 0। ये जो परसेंटेज फाइनल है, सपोज जैसे परसेंटेज फाइनल देन 80 मिलीमीटर, इसका मतलब ये है परसेंटेज फाइनल, ये जो वैल्यू है इसका मतलब परसेंटेज फाइनल देन 80 मिलीमीटर, ये है 95%। इसका मतलब है जो वो 80 मिलीमीटर सीव पे, ये जो सीव है सपोज ये सीव है, ये है 80 मिलीमीटर साइज का, इस पे जो सॉइल रिटेन होगा उसका डायमीटर ग्रेटर देन 80 मिलीमीटर होगा। उससे जो पास कर गया उसका डायमीटर कितना होगा, 80 से कम सर, लेस देन इक्वल टू 80 होगा, क्योंकि जिसका जैसे ये स्क्वायर ओपनिंग है और कोई सॉलिड पार्टिकल है जिसका डायमीटर 80 मिलीमीटर है वो तो इसे पास कर जाएगा ना, समझ रहे हो, यस सर, ये पास कर जाएगा। तो इससे जो पास होगा उसका डायमीटर लेस देन इक्वल टू 80 मिलीमीटर हो जाएगा। देखो इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं परसेंटेज फाइनल, कैसे निकाल सकते हैं, ये 5 सीव है हमको दे रखा है, ये 80 मिलीमीटर सीव है, ये 40 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर एंड ये 4.75 मिलीमीटर। हम क्या किए हैं, इस पे सॉइल डाले हैं 80 मिलीमीटर सीप पे 100 ग्राम, तो 80 मिलीमीटर पे कितना रिटेन है, 5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो 80 मिलीमीटर से पास कितना कर गया, 80 मिलीमीटर सीव से कितना सॉइल पास कर गया, 95%, 95 ग्राम, 95 ग्राम। अब 40 मिलीमीटर पे कितना रिटर्न है, 20 ग्राम, 95 आया इस सीव पे और 20 पास कर गया, बचा कितना, 75, 75, 75। इस पे रिटर्न है 20 मिलीमीटर पे 30, 30 ग्राम, तो ये कितना इससे पास कितना कर जाएगा, 45, 45। इस पे रिटेन है 35, 35। इससे कितना पास कर जाएगा, 10, 10 ग्राम, और इस पे दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इससे कितना पास करेगा, 0, 0, 0 ग्राम। तो आप परसेंटेज फाइनल यहां से भी निकाल सकते हैं, वेट रिटेन आ गया, परसेंटेज फाइनल यहां से निकाल लोगे, परसेंटेज फाइनल देन, सपोज परसेंटेज फाइनल देन डी, इसका मतलब है जो भी पार्टिकल इससे पास करेगा उसका साइज लेस देन इक्वल टू डी होगा। तो
टू वेट weight of particle having size कितना होगा उसका साइज हेलो उसका साइज कितना होगा किसका सर वेट ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज हम लोग क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज फाइनर देन डी तो वेट ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन इक्वल टू डी जैसे सपोज परसेंटेज फाइनर देन 80 मिलीमीटर निकाल रहे हैं तो ये जो सॉइल पास कर रहा है इसका डायमीटर कितना होगा ये जो 95 ग्राम है सॉइल है इसका डायमीटर कितना होगा लेस देन इक्वल टू 80 मिलीमीटर लेस देन 80 हाँ तो वो हम लोग डी के लिए जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा वेट ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन इक्वल टू डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सैंपल वेट ऑफ सॉइल सैंपल जिसे अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है परसेंटेज फाइनर देन 80 मिलीमीटर परसेंटेज फाइनर देन 80 मिलीमीटर यहां पे कितना हो जाएगा परसेंटेज फाइनर वेट रिटेन ऑन 80 मिलीमीटर कितना है 5 हैविंग साइज ग्रेटर देन रुको रुको वेट ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन इक्वल टू डी मीन्स इससे जो पास कर जाएगा कितना सॉइल इसे पास कर रहा है 95 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन टोटल कितना सॉइल लिया है हम लोग 100 इंटू 100 परसेंटेज फाइनल 80 मिलीमीटर कितना आ जाएगा ये 95% हम लोग इससे यही निकाले थे ना 95% तो ये पूरा टेबल फिलअप करने से अच्छा है डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो यहाँ तक किसी कोई डाउट नो सर ओके फाइन सीविंग और सेंट सीविंग इट इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शन व्हिच पासेज थ्रू ये कितना से फास्ट पास कर जाएगा तो देखते हैं इधर सेंड के लिए क्या है ये सेंड है ये कितना से पास कर जाएगा 4.75 सर 4.75 मिलीमीटर से पास कर जाएगा बट रिटेन ओवर किस पे रिटेन होगा 75 माइक्रोन क्योंकि सैंड जो होता है 75 माइक्रोन से बड़ा होता है तो वो 75 माइक्रोन सी पे वो रिटेन कर जाएगा 75 माइक्रोन यहाँ पे हो जाएगा 75 माइक्रोन सीव द सीव्स यूज्ड आर इस केस में सीव कौन कौन सा यूज करते हैं 75 माइक्रोन 150 माइक्रोन 212 माइक्रोन 300 माइक्रोन 425 माइक्रोन 600 माइक्रोन 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर टोटल कितना सीव है 8 इस केस में 8 सीव यूज करते हैं कि इसको अरेंज कैसे करते हैं सबसे पहले बड़ा वाला सीव रहेगा मींस 2 मिलीमीटर उसके बाद छोटा इससे छोटा 1 मिलीमीटर उसके बाद फिर 600 माइक्रोन उसके बाद फिर 425 माइक्रोन उसके बाद 300 माइक्रोन उसके बाद 212 माइक्रोन
इस तरह से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो देखो प्रोसीडर इज सिमिलर टू कोर्स सेविंग। कोर्स सेविंग हम लोग जैसे किए थे सेविंग, एक एग्जांपल लिए थे ना, यस सर, उसी तरह से फाइन सेविंग में सेम इसी तरह से प्रोसीडर करते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, इसमें सिप का साइज अलग होता है, नंबर ऑफ सिप अलग होता है, और इसमें सैंड यूज करते हैं। उसमें ग्रेवल यूज करते थे, इसमें सैंड यूज करते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी प्रोसीड्यूर सेम है, इसलिए हम इसमें एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? टाइम भी सर, टाइम भी सेम रखेंगे ना? हाँ टाइम, और उसको जो सेक करते हैं उसका टाइम 10 मिनट ही रखते हैं, सेम प्रोसीड्यूर सेम होता है। ओके सर, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। वेट एंड ड्राई सेविंग। देखो If silt and clay present in sand, then silt and clay present होता है तो उसके लिए क्या कौन सा sieving करते हैं? Wet sieving। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे sand sieving के लिए हम लोग दो तरह का use करते हैं, dry sieving and wet sieving। अभी हम लोग पढ़ेंगे dry sieving, wet sieving कब use करते हैं, क्या होता है वो। If silt and clay present in sand, then wet sieving should be done। जब silt and clay sand के अंदर present होता है, sand में, sandy soil में, then हम लोग क्या करते हैं? Wet sieving करते हैं। If wet sieving sand is, sorry, wet sieving sand is washed so that wet sieving में क्या करते हैं? In wet sieving sand is washed so that fine particles, fine particles कौन कौन सा particle होगा यहाँ पे? Silt or clay? Silt and clay get removed। Suppose ये soil है, इसमें sand है, इसके अंदर silt clay भी present है। Actually silt and clay ऐसे present होता है, ये जो sand है इसके ऊपर stick रहता है इस तरह से, रेड कलर से दिखा रहे हैं, इस तरह से इस पे स्टिक रहता है, ये सैंड के ऊपर ये ऐसे रहता है। इसको रिमूव कैसे करते हैं? इन वेट सेविंग सैंड इज वॉश्ड सो दैट फाइन पार्टिकल सिल्ट एंड क्ले गेट रिमूव्ड। इसको वॉश करने के बाद इसको क्या करते हैं, सिल्ट एंड क्ले को रिमूव कर देते हैं। फॉर वॉशिंग सिल्ट एंड क्ले 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या होता है? ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है, डिफ्लोकुलेटिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट। ये क्या काम करता है? जैसे ये सिल्ट, जैसे ये सैंड है, सैंड पार्टिकल है, इसके ऊपर प्रेजेंट है सिल्ट क्ले इस तरह से, तो ये क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है। समझ रहे हो? यस सर। इसको रिमूव कर देता है जो भी इसके प्रेजेंट है सैंड पे, उसको रिमूव कर देता है। इसको डिफ्लोकुलेटिंग, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को डिफ्लोकुलेटिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट भी कहा जाता है। इफ सिल्ट एंड क्ले नॉट प्रेजेंट इन सैंड देन ड्राई सीविंग शुड बी डन। इस केस में कौन सा सीविंग करते हैं? ड्राई सीविंग। समझ में आया? वेट सीविंग कब करते हैं और ड्राई सीविंग कब करते हैं? यस सर। जब सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट होगा सैंड के अंदर, तब हम लोग क्या करेंगे? जब सिल्ट एंड क्ले नहीं प्रेजेंट होगा तो उसके लिए ड्राई सीविंग करेंगे। सोडियम हेक्सामेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या है? डिस्पर्सिंग एजेंट, डिफ्लोकुलेटिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट।
एजेंट। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, तो फाइन ग्रेन एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ये वाला। फाइन ग्रेन एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये दो तरीके से करते हैं, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड। इट इज डन फॉर, किस सॉइल के लिए ये करते हैं? सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले। मींस सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज, इसका साइज कितना होगा? 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के। साइज लेस देन इक्वल टू 4.2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। इंटायर सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है पता है? सर पार्टिकल का सेटलिंग के बारे में कुछ है। हाँ, उसी के बारे में। इसमें क्या करते हैं, देखो सेडिमेंटेस, ये स्टोक्स लॉ में स्फेरिकल पार्टिकल यूज करते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल, उसको क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट मीडियम में डालते हैं। इनफाइनाइट मीडियम में डालोगे तो क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल है, इसको ये वाटर है, वाटर में डालोगे तो यहाँ पे जब डालोगे उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? हेलो।